नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे में शहीद हुए सेना के जवान नायक मनीष पांडे को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई। मनीष का पार्थिव शरीर शनिवार को जब उनके हनुमानगंज स्थित पैतृक घर बेलवारा जमुनीपुर गांव लाया गया तो उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बाद में राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान मनीष का अंतिम संस्कार किया गया। हनुमानगंज के बेलवारा जमुनीपुर गांव निवासी सेना के जवान मनीष पांडे दो दिन पहले जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक सड़क हादसे में शहीद हो गए थे। उनके शहीद होने की खबर घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। पिछले दो दिनों से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इसी बीच शनिवार की सुबह तकरीबन 8:30 बजे सेना का ट्रक जवान का पार्थिव शरीर लेकर जमुनीपुर स्थित माँ ऐंद्री धाम के गेट पर पहुंचा तो वहां मौजूद हजारों की संख्या में युवा तिरंगा लिए भारत माता की जयकारों के साथ सेना का ट्रक जवान का पार्थिव शरीर लेकर उनके पैतृक घर बेलवारा गांव पहुंचा तो पिता नरेंद्र कुमार पांडे बिलख कर रोने लगे। माँ आशा पांडे बेहोश हो गई तो पत्नी शिल्पी को तो होश ही नहीं रहा। पत्नी शिल्पी पति के ताबूत से लिपटकर काफ़ी देर तक बैठी रही। माँ को बेहोश देकर दोनों मासूम बच्चे भी बिलख बिलख कर रोने लगे। इसी बीच वहाँ मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। तकरीबन 10:30 बजे DM संजय कुमार तथा SSP अजय कुमार पांडे श्रद्धांजलि देने जवान के घर पहुँचे। इसके बाद जवान का पार्थिव शरीर सेना के ट्रक पर रखकर अंतिम संस्कार के लिए लीलापुर घाट की ओर रवाना हुआ। इस दौरान पूरे रास्ते युवाओं ने मनीष भैया अमर रहे जब तक सूरज चांद के नारे लगाए। घाट पर सेना के अधिकारी व जवानों ने शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी। पार्थिव शरीर को मुख्य अग्नि छोटे भाई आशीष पांडे ने दी। शहीद जवान मनीष पांडे को श्रद्धांजलि देने के लिए कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शहीद नायक मनीष पांडे के पिता रोते हुए गले से बोले कि आज मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। पुरानी यादों को साझा करते हुए बताया कि जब 1999 में कारगिल में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तभी से मेरे बेटे ने सेना में जाने की ठान ली थी। मनीष की माँ बोली कि बेटा खोने का गम तो है पर उसकी शहादत पर मुझे गर्व है। बिलखती हुई पत्नी शिल्पी ने बोली कि उनके जाने का गम तो जीवन भर रहेगा, मगर उनकी इच्छा के अनुसार दोनों बेटों को मैं सेना में भेजूंगी। नायक मनीष के घर पहुंचे DM संजय कुमार ने शासन से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि एवं सहायता के अलावा राजस्व विभाग की तरफ से भी सहायता दिलाने का भरोसा परिजनों को दिया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, शहीद जवान मनीष पांडे की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर जवान आपका नाम रहेगा। फौजी की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज़्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कुख भी धन्य हो जाता है। आओ कसम खाएं उन शहीदों की, उन वीरों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें, उन शहीदों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।